नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा दत्ता। किस्मत कनेक्शन देख रहे हैं आप। और आज किस्मत कनेक्शन में आपकी किस्मत का हाल बताने के लिए आपको स्टूडियो में हमारे साथ टैरो एक्सपर्ट नीना वालिया जी हैं, जो कि आपके तमाम सवालों के जवाब देने वाली। नीना जी, बहुत स्वागत है आपका। नीना जी आज हमारे साथ हैं, और आप अगर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें फोन कीजिए और पूछिए कोई भी सवाल। लेकिन सबसे पहले आज का दिन कैसा रहने वाला है हमारे तमाम दर्शकों के लिए, ये जान लेते हैं। जी, आज का दिन हरियाणा वासियों के लिए बहुत ही होपफुल डे है, यानी कि उनके मन में जो भी होप्स हैं वो फुलफिल होने के बहुत चांसेस हैं। और आपकी जो डायरेक्शन, जिस तरफ आप जाना चाह रहे हैं, वहां कोशिश करें और अंदर की आवाज जरूर सुने, बिकॉज दैट इज गोइंग टू गाइड यू टू द राइट डायरेक्शन। तो अपनी आवाज जरूर आपको सुननी चाहिए। कहते हैं कि मतलब अंदर से कुछ आवाज आ रही है तो उस पर अमल जरूर आपको करना चाहिए। दलबीर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो मैडम जी। हाँ मैडम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 फरवरी 1974। जी जी, सवाल। मैडम, जॉब, सरकारी जॉब के बारे में पता करना था, कहाँ तक मिल जाएगी। सरकारी नौकरी के बारे में पूछना चाहते हैं, कार्ड्स कैसे आनी ना जी। जी, कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं सरकारी जॉब के, आपके पूरे चांसेस है, और आप उसकी तरफ काफी मेहनत भी करते नजर आ रहे हैं, काफी स्टेप्स ले रहे हैं उसकी तरफ, और हो सके तो आप उसमें अपनी कोशिशें बरकरार रखें। और आपको इसमें किसी की मदद की जरूरत पड़ सकती है, जो कि आप बिल्कुल उनकी मदद लें, और काफी आपको मॉरल सपोर्ट और फ्रेंडली सपोर्ट जो भी मिले उसकी वजह से आप काफी, आपके जो जॉब है उसमें आप सेटिस्फाई हो सकते हैं। चलिए, तो अगर आप भी पूछना चाहते हैं कि आपके जो सवालों के जवाब हैं वो क्या हैं, या फिर आपकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं वो कब खत्म होंगी, तो जुड़िए, हम आपको तमाम सवालों के जवाब बता रहे हैं। हमारे साथ जशनप्रीत कौर फोन लाइन पर जुड़ गई है, क्या पूछना चाहती है। जशनप्रीत जी, आप मुझे सुन रही है। हेलो जी, बोलिए। हाँ जी, मेरे बेटी का नाम जशनप्रीत कौर है, करनाल से जी। जी। और डेट बर्थ है 20 जून। हम्म। 20 जून 2005। जी जी। और सर, मैं इसकी अपना लाइफ के बारे में पूछना चाहता हूँ, इसकी लाइफ कैसे रहेगी, और इसका विदेश यात्रा भी हो गया है, नहीं है पढ़ाई स्कूलिंग के थ्रू जी। चलिए जी, बिल्कुल, आपकी बिटिया जशनप्रीत का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, क्योंकि इनकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल होगी। और अगर ये विदेश यात्रा परस्यू करने के कुछ इनका माइंडसेट है तो वहाँ कोशिश करेंगी, वहाँ पे भी इनकी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि ये बाहर भी जा पाएंगी। तो इनको अपनी तरफ से बिल्कुल मेहनत करने की ज़रूरत है, अपनी पढ़ाई में पूरा ऑनेस्टी और सिंसेरिटी से आगे बढ़ें, इनके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे और ये बाहर भी जा सकती हैं, सो ऑल द बेस्ट। चलो, तो 100% अगर आप अपने काम में डालेंगे तो उसके रिवॉर्ड्स भी आपको जरूर मिलेंगे। राधा रानी फोन लाइन पर, अगली दर्शक पूछे क्या पूछना चाहती है। राधा रानी जी, आप सुन रही हैं। हेलो, बोलिए राधा रानी जी। हेलो, आप टीवी की आवाज बंद कर दीजिए और हमसे फोन के जरिए बात कीजिए। हाँ जी जी मैम, मैं अपनी बिटिया के लिए पूछना चाहती हूँ। बोलिए जी, उनकी शादी के लिए योग बनते नहीं है, क्या बताएं जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं जी। 29 फरवरी 1992 जी। ठीक है, जी बिल्कुल, इनके शादी के योग इस साल बहुत अच्छे स्ट्रांग बने हुए हैं, और इट्स अ बिगिनिंग ऑफ द ईयर। आप अपनी तरफ से जो भी उनके लिए आगे बढ़ें, बिल्कुल भी रुके नहीं, और जहां आपको सेटिस्फैक्शन मिले वहां पे बात आगे भी बढ़ाएं, और उनके न्यू बिगिनिंग्स डेफिनेटली उनकी ज़िंदगी में बहुत जल्द ऐड हो जाएंगी, यानी कि एक नई शुरुआत होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से, स्टेबिलिटी से ही आगे अपनी ज़िंदगी कॉन्फिडेंटली लेके जाएंगी, और इनके शादी का जरूर भरपूर योग बन रहा है,
सो ऑल द बेस्ट टू हर. चलो तो शादी के योग जरूर है, बहुत ही जल्दी आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो सकती है. उत्तराखंड से जोधवीर हमारे साथ जुड़ गए अगले दर्शक, क्या पूछना चाहते हैं? जोधवीर आप सुन रहे हैं मुझे? चलो जोधवीर से शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन आपके लिए भी फोन लाइंस हैं. गुरप्रीत अगली दर्शक हैं. गुरप्रीत जी क्या है आपका सवाल? गुरप्रीत आप सुन रही हैं मुझे? गुरप्रीत आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी मैम बोलिए. चलो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी गुरप्रीत, क्योंकि टीवी की आवाज सुन के आप रिप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं. एक छोटी सी अपील अपने दर्शकों से हर रोज हम करते हैं कि आप जब भी हमें फोन कीजिए अपने टीवी की आवाज बंद कीजिए, ये मंच आपके लिए ही है. और अगर आप फोन करेंगे तो टीवी की आवाज बंद करके कर सकते हैं, क्योंकि आपके सवालों के ही जवाब हमें देने हैं. टीवी की आवाज ऑन होगी तो ना आपके सवालों के जवाब आपको मिल पाएंगे, ना ही आपकी बात को हम सुन पाएंगे. तो टीवी की आवाज बंद कीजिए, उसके बाद हमें फोन कीजिए और अपने सवालों के जवाबों को आप हमारे साथ जानिए. लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं और वो अपने सवाल हमसे पूछ रहे हैं. इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गई हैं. क्या पूछना चाहती हैं? पूछिए. पूनम आप मुझे सुन रही हैं? हाँ जी बोलिए. मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ 18 अप्रैल 1990 है जी, और मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना चाहती हूँ. जी सोना जी, अभी गवर्नमेंट जॉब के तो अभी आपके बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं नजर आ रही हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको बिल्कुल ही डिसअपॉइंट होके बैठ जाएं. आप अपनी तरफ से बिल्कुल भी इन्वॉल्व रहें एंड लीव इट टू गॉड. इफ इट इज इन योर डेस्टिनी यू विल सर्टनली गेट इट, बट अभी बहुत जल्द उसके चांसेस नहीं है. चले अभी थोड़े चांसेस नहीं है, लेकिन आगे जाके कुछ भी हो सकता है, सो स्टे पॉजिटिव. बंटी फोन लाइन पर अगले दर्शक, क्या पूछना चाहते हैं? बंटी आप सुन रहे हैं? मैम जी नमस्कार. बंटी पूछिए. मैम जी मैं अभी हमें बीए कंप्लीट किया है लेकिन मैम कोई नौकरी नहीं मिल रही, तो बताइए कुछ है क्या हमारे भाग्य में? जी डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है? 19/8/92. ओके जी, बिल्कुल आप बिल्कुल घबराएं नहीं, बहुत डिसअपॉइंटिंग आप लग रहे हैं, बट ऐसी कोई बात नहीं है. आप अपनी तरफ से काम की तरफ जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसे फुलफिल करते जाएं और बहुत जल्द आपकी जिंदगी में एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, यानी कि आपकी जॉब का जो आपका इशू है वो रिजॉल्व होता नजर आ रहा है. तो अपनी तरफ से आप बिल्कुल स्टे पॉजिटिव एंड कीप फ्लोइंग वट एवर मेजर्स यू हैव टू टेक, आप करते रहें, आपकी बहुत जल्द नौकरी की शुरुआत हो जाएगी. चले इंदिरा देवी अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, क्या पूछना चाहती हैं? इंदिरा जी आप सुन रही हैं मुझे? इंदिरा जी आपको आवाज मिल रही है? जी जी बोलिए. क्या कर जी, मैं पूछ रही थी आप अपने, मैं अपने लड़की के बारे में पूछ रही थी. हाँ हाँ और लड़के के बारे में भी पूछ रही थी. ठीक है, आप उनका डेट ऑफ बर्थ बताइए, सवाल बताइए अपना. बताइए डेट ऑफ बर्थ बता दो. इंदिरा जी आप सुन रही हैं मुझे? हेलो बोलिए. हाँ जी, इनका डेट ऑफ बर्थ है 1992. मंथ और डेट. हेलो. चलिए आप एक बार फिर से हमें फोन कीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो क्लियर कीजिए आप पहले, उसके बाद हमें फोन कीजिए. दूसरे दर्शकों से भी मैं अपील करूंगी कि आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो पहले आप लिख लीजिए पेपर पे और उसके बाद हमें आप फोन कीजिए. ऐसे समय व्यर्थ हम नहीं कर सकते, दूसरे दर्शकों को भी हमसे जुड़ना है. अरुण फोन लाइन पर है, क्या पूछना चाहते हैं? मैडम नमस्कार. नमस्कार. मेरा डेट ऑफ बर्थ है मैम 3 September 1973 में. जी हेलो. जी जी 3 September 1973. हाँ मैम, मैं ये बैंक का एग्जाम दिया था मैम, उसमें मेरा कंप्लीट होगा या नहीं होगा मैम, मैं ये जानना चाह रहा था. और अभी फिलहाल मैं एक किसी जॉब में था, वो जॉब छूट गई है मैम. क्या भविष्य में गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं या नहीं? जी अभी नहीं है, अभी सूनेस्ट तो नहीं है, बट मे बी आफ्टर अ वाइल. और आपकी जो भी अभी नेगेटिविटी बनी हुई है जिंदगी में
उससे आप बिल्कुल हताश ना हो, क्योंकि बहुत जल्द आपका कोई न्यू फेज शुरू होगा जिसमें आपकी ज़िंदगी से जो रिक्वायर्ड अच्छी बातें हैं वो शुरू हो जाएंगी, जहां आपके डिज़ायर्स हैं. सो यू हैव टू बी होपफुल और कुछ ना कुछ जल्द नया शुरू होने वाला है आपकी ज़िंदगी में. उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद आपको भी रखनी है, बहुत जल्द अच्छा होगा. विक्रम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं. विक्रम, क्या पूछना चाहते हैं? विक्रम जी. हेलो, नमस्कार. नमस्कार, बोलिए जी. मेरी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ. मेरी बेटी का जन्म है 26 फरवरी 2013, तो इसका मांगलिक योग बताते हैं जी पंडित जी, क्या है क्या नहीं, ये पता करना चाहता हूँ जी. जी हाँ जी जी बिल्कुल, आप घबराएं नहीं. जो अगर इनका मांगलिक योग एस्ट्रोलॉजिकली बन रहा है तो उसमें ऐसा कुछ घबराने वाला नहीं होता है, उसके भी अपने फैक्टर्स होते हैं. बट आप अपनी बेटी को यही सलाह दें कि शी शुड गो विद द फ्लो, अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री और केयर फ्री होके आगे बढ़ती रहें और टेक इट एज इट कम्स, और ज़िंदगी के चलते जो भी इनकी अचीवमेंट्स हैं वो ज़रूर ये पा सकेंगी. कोई रुकावटें ऐसी नहीं हैं कि वो झेल ना पाएँ, और अगर ऐसे सिंसेरिटी से अपनी ज़िंदगी को चलाती रहेंगी तो आगे जाके इनकी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ अपनी ज़िंदगी में ये फेवरेबल देख पाएंगी और बहुत अच्छा आगे आने वाला इनका फ्यूचर रहेगा. चलो, बसंत अगले दर्शक जुड़ गए हैं, क्या पूछना चाहते हैं? बसंत आप सुन रहे हैं मुझे? बसंत आप सुन रहे हैं? संत संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं. आप भी जुड़ सकते हैं और कोई भी सवाल जो पूछना चाहते हैं वो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं. परेशानियां हर किसी की लाइफ में होती हैं, लेकिन इना जी अगर सही गाइडेंस मिल जाए तो वो दूर भी हो सकती है. डेफिनेटली, बिल्कुल. आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग विल्ड होना चाहिए, और वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल हो. तो अगर आप ये माइंडसेट लेके चलेंगे तो सक्सेस इज ऑल योर्स. तो बिल्कुल आपको खुद ठानना है कि आपको जिंदगी में क्या करना है, और फिर सब कुछ हो सकता है, क्योंकि जिंदगी में अगर हम खुद ही हार मान जाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है. हमारे साथ एक और दर्शक फोन लाइन पर हैं, क्या पूछना चाहते हैं? आप सुन रहे हैं मुझे? आप सुन रहे हैं? अब तक आवाज पहुंच रही है क्या? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है हमारा, लेकिन लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं और आप भी जुड़ सकते हैं. कोई भी सवाल जो आप पूछना चाहते हैं आज पूछ सकते हैं. ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं. ओम प्रकाश जी सुन रहे हैं आप? ओम प्रकाश जी. हेलो. ओम प्रकाश जी बोलिए. जी ओम प्रकाश बोल रहा हूँ. मैं भांजे के बारे में पूछना चाहता हूँ. जी किसके बारे में पूछना चाहते हैं? भांजे के बारे में पूछना चाहता हूँ. आप उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए. 2 जनवरी 1992. जी भांजी के बारे में क्या पूछना चाहते हैं? जी सवाल पूछिए. हाँ जी सवाल क्या है आपका? ओम प्रकाश जी ये रिश्ता मेरे को होता है. ओम प्रकाश जी आपकी आवाज सही से नहीं पहुंच रही है, आप सवाल क्या पूछना चाहते हैं? रिश्ते में रुकावटें आ रही है. रिश्ते में रुकावट आ रही है, ठीक है जी. बिल्कुल उनके रिश्ते में जो रुकावटें आ रही हैं, बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है, बट ये जो भी रुकावटें हैं उनके भले के लिए हैं, क्योंकि अगर जल्दबाजी करेंगे तो उसमें अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे. तो तसल्ली से आगे बढ़ने में ही उनकी भलाई है, और अगर वो पूरी पूरी कैलकुलेशन के साथ, पूरी सूझबूझ के साथ और आराम से निर्णय लेंगे तो ही उनके लिए भला होगा, और आगे जाके उनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी शुरुआत भी होगी. तो उनको कहें कि पॉजिटिव रहें और अच्छे फेस का इंतजार करें. पुनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं एक दर्शक. पुनीत आप क्या पूछना चाहते हैं? जी मैडम, मैं पूछना चाहता हूँ जिस प्रकार से अभी कुछ मेरे दिन खराब चल रहे हैं, तो आर्थिक रूप से भी स्थिति खराब चल रही है, उसके बारे में पूछना चाहता हूँ. ठीक है पुनीत, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए. 5 दिसंबर 1987. जी जी बिल्कुल घबराएं नहीं, आने वाला दौर आपके लिए नई शुरुआत लेके आ रहा है, तो बिल्कुल भी आप अपने तरफ से अपनी ज़िंदगी को बहुत सिंसेरिटी से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल करते जाएं, और बिल्कुल ऑनेस्टी परस्यू करें और फेथ रखें, और अ न्यू बिगनिंग इज़ ऑन द वे,
और बहुत जल्द आपका अच्छा टाइम पीरियड पॉजिटिव फेज में लैंड हो जाएगा। चलिए पुनीत, आपको जो परेशानियां चल रही हैं कुछ तो इंतजार थोड़ा सा करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद बहुत जल्दी ही आपका एक न्यू फेज शुरू होने वाला है, तो स्टे पॉजिटिव, आप उम्मीद कीजिए और वो उम्मीद आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटते हैं, उसके बाद आपके सवालों के जवाब देते रहेंगे। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं, तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा है तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है। भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए, पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। मैं आपका धर्मेंद्र आप सबको इनवाइट करता हूँ, आइए देखिए सूरजपुर मेले के रंग मेरे सर। वो कौन है, वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है, तो बोलो बोलो। पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एक बाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the Green Belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaran Dham at Ramya Road, Sirsa. For details, call... हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एक बाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है किस्मत कनेक्शन में। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अब नीना जी से हम ये जान लेते हैं कि जिन लोगों को आज बर्थडे है नीना जी, उन लोगों का दिन कैसा रहने वाला है, साल उनका कैसे रहने वाला है जी।
जिनका जन्मदिन है वो बहुत ही आगे बढ़ने वाले हैं, यानी कि उनके जो प्लान है उनको और एक्सप्लोर करके हाउ टू गो अहेड, दे आर रियली गोइंग टू फॉलो इट, और उनमें आज बहुत ही मैजिकल एनर्जीज बनी रहेंगी, यानी कि कॉन्फिडेंस से भरपूर होंगे और उनका विल पावर इतना स्ट्रांग होगा कि वो जो करना चाहेंगे वो करने के लायक होंगे. और उनको अपने आस पास की स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत ही आज स्ट्रांग फील रहना पड़ेगा, स्ट्रांग रहना पड़ेगा. करना चाहेंगे वो आप कर लेंगे, तो जाइए कर लो दुनिया मुट्ठी में. तजेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए, बोलिए. हाँ तजेंद्र जी बोलिए. मैम मेरा मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 अगस्त 1986 जी. और मैं अपनी मतलब नौकरी के बारे में पूछना चाहता हूँ. नौकरी के बारे में पूछना चाहता हूँ. हाँ जी जी बिल्कुल. आपकी नौकरी में बहुत ही पॉजिटिविटी है, आप जो करना चाह रहे हैं बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा भी बिल्कुल अपने आप को उसमें ज़्यादा डिफिकल्ट मत होने दे किसी भी चीज़ को. जस्ट गो विद द फ्लो. कोई ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कोई अड़चनें आती हैं, उनकी परवाह ना करें, बस आगे बढ़ें, क्योंकि आप बहुत पैशनेटली और सिंसेरिटी से अपनी जॉब में जुट जाने वाले हैं और बहुत एक्शन ओरिएंटेड होने वाले हैं. सो जस्ट कीप योर हार्ट गोइंग एंड फॉलो इट. कृष्णा हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, अगले दर्शक. कृष्णा जी क्या है आपका सवाल? हेलो. हाँ बोलिए. मेरी लड़की है जी 21 सितंबर 2000 जी. हेलो जी. ठीक है, सवाल क्या है आपका? मेरी लड़की के बारे में पूछना जी, उसके करियर के बारे में कैसा होगा फ्यूचर उसका जी, पढ़ाई के लिए. ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल घबराएं नहीं. आपकी बेटी का जो करियर का आपके पूछना है, बहुत जल्द ही उनका करियर की तरफ जो भी एक्शंस होंगे, स्टेप्स लेंगी, वो उसमें मजबूती ग्रहण करेंगी और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी जॉब को वो कायम कर पाएंगी, एक अच्छी स्थिति में अपने आप को जल्द ही देख पाएंगी. तो उन्हें कहें कि जो उनके मन में है उसको फॉलो करें, जो वो करना चाह रही हैं उसी में ही आगे बढ़ेंगी, तो उन्हें तरक्की ज़रूर मिलेगी और जल्द मिलेगी. पंकज अगले दर्शक पूछिए. पंकज क्या है आपका सवाल? जी मैं अपने और ना अपने वाइफ के बारे में पूछना चाहता हूँ. बोलिए क्या रिलेशनशिप आपका दोनों का कैसा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम उसमें है? जी वैसे तो प्यार बहुत है लेकिन लड़ाई भी बहुत जल्दी हो जाती है हमारे में. ठीक है, तो प्यार अक्सर मियां बीवी में होता है लेकिन लड़ाई हो जाती है. नीना जी उनका नाम बताएंगे? जी गीता. हेलो जी, काज देखकर बता रही हैं आपको नीना जी कि आखिर लड़ाई क्यों होती है जब इतना प्यार है. तो जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जो वाइफ है उनका काफी जो एटीट्यूड है वो आपको लेके बहुत पॉजिटिव है, ऐसी कोई बात नहीं है. वो शायद और आगे बढ़ना चाह रही हैं, तरक्की चाह रही हैं, इसमें ग्रोथ की डिमांड उनकी है, जो आपकी तरफ से शायद उतना इनपुट नहीं है. आप नो डाउट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर रहे हैं बट फिर भी शायद उनको वो टाइम उनको जो डिज़र्व करती हैं वो नहीं दे पा रहे हैं, या आपका उस तरफ झुकाव नहीं हो पा रहा है. तो यू हैव टू मेंटेन दिस रिलेशनशिप विद कंप्लीट सिंसेरिटी. बेशक आप ज़्यादा एक्शन ना ले पाएं, ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व ना हो पाएं, बट फिर भी उसको आप एक प्लान्ड वे से, सिस्टमेटिक वे से हैंडल करेंगे तो आगे जाके आपको खुशियां ज़रूर मिलेंगी. और उसके लिए आपको रास्ते खोजने पड़ेंगे, आपको खुद रास्ता बनाना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबिलिटी. खुद देखना होगा कि आखिर आप अपनी वाइफ को टाइम कैसे देंगे. जितना ज्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करेंगे उतना ही जो आपका रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होगा, क्योंकि वाइफ को शायद टाइम ही चाहिए होता है साथ रहने के लिए, तभी जो लड़ाइयां हैं वो नहीं होंगी. हमारे साथ गुरजीत कौर फोन लाइन पर हैं, क्या पूछना चाहते हैं गुरजीत जी? हेलो मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ. ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल. मेरे मतलब की कोई भी काम नहीं बनता है मेरा जी. ठीक है, कोई भी काम करती हूँ तो बस डेड हो जाता है, कोई भी काम नहीं बनता है. ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताइए. मेरी डेट ऑफ बर्थ तो याद नहीं है. याद नहीं है, ठीक है. आपको लेकिन दिसंबर की है, इतना पता है कि दिसंबर की है. काज के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों आपके काम जो है वो नहीं बन रहे हैं, कैसे आपके काम बन सकते हैं. बिल्कुल, आपके कार्ड्स भी यही बता रहे हैं, काफी नेगेटिविटी बनी हुई है, काफी कंफ्यूजन है, स्ट्रेसफुल है, और जो कि तभी ठीक हो सकता है जब आप बहुत सिंसेरिटी से जो आप सोच रही हैं, जो आपके प्लान्स हैं उन्हें एग्जीक्यूट करती रहें, उसको आधे बीच में ना छोड़ें,
या अगर आपको कोई बीच में डिस्टर्ब करता है या आपकी आपको पथ से भ्रष्ट करने की कोशिश करता है कि ऐसे ना करें वैसे ना करें, आप अपने आप को फॉलो करें, जो आपको ये विश्वास है आप अपनी सुने और अपनी करें इस वक्त, तभी आपको सफलता मिलेगी। ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, सलाह लें पर सुने अपनी और अपने काम को अपनी बिलीफ से आगे करेंगी तभी आपको सफलता मिलेगी। खुद पे भरोसा रखना होगा, सब कुछ अच्छा ही आपकी जिंदगी में होगा, दूसरों पे विश्वास करके आप अपना ही लॉस करते हैं, तो अपने जो डिसीजंस हैं उन पे फोकस्ड रहिए और उन पे ही आप जो है स्थिर रहिए। इसी के साथ डॉक्टर मैं आपका बेहद शुक्रिया करना चाहूंगी, आप आए यहाँ पे और आपने तमाम दर्शकों के रीना जी सवालों के जवाब दिए। किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही, नमस्कार।